देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नीलम ने थोनू ज्यादा तंग तो नहीं किया ना, है कि कितने हो? ऊपर अपने कमरे च, आप ही जाके मिलना। जी अपने नाल ही लेके चलो। वैसे भी मैं उस बोरिंग अंकल दे सवाला तो ना तंग आ चुकी हूं। नीलम मैनू पता है तेनू इत्थे होर रहना चंगा नहीं लग रहा, तेनू इत्थे रहना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इत्थे आई हूं तेनू पिंड वापिस भेजन। फिर रौला पैजे पिंड वापस क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना पिंड वापस ना। नीलम तू हमेशा लई तां इत्थे नहीं रह सकदी ना, घर तां तेनू जाना ही पएगा, पिंड मम्मी भी तां कल्ले ने। मम्मी कल्ले ने तां मैं की करा, मैनू तां हुण इत्थे ही ऐसे शहर च रहना है। तुहानू पता मैनू इत्थे दे वड्डे वड्डे बिल्डिंग, वड्डे वड्डे मॉल, ये वधिया जिहा खाना पीना, मैनू ना सारा कुछ बहुत पसंद है। मैं नहीं जाना किते भी। मैनू पता सी लालची कुड़ी इन्नी आसानी ना इत्थों नहीं जाएगी। तेनू पता है मम्मी तेरा इंतजार कर रहे ने, पिंड तां तेनू वापिस जाना ही पैना। मम्मी तां मैनू इन्नी बार फोन आया तेरे वापिस आने बारे पूछ रहे सी। जद मैं एक बारी तुहानू कह दिता कि मैं इत्थों वापस नहीं जाना, मैं क्यों रौला पा रहे हो तुसी? नीलम मैं तेनू कुछ भी खाना चाहता सी, दो मिनट मेरे नाल बाहर आई। आजो आजो गुरुजी, मैं तुहाडा ही इंतजार कर रही सी। प्रणाम। तुसी राजवीर दीदार जी ने इत्थे बुला लो। जी गुरुजी, लो वो आ ही गए ने। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जय माता दी। गुरुजी आओ बैठो। तू ये सब शॉपिंग बैग्स खोल के देख, इन्हें बहुत कुछ तेरे मतलब दा। नीलम ध्यान ना, इतना सोना ते महंगा सूट। हाँ वेखो दीदी। नीलम हजे तक तो नहीं, पर हाँ है सब कुछ तेरा हो जरूर सकता। मतलब है नीलम कि जे तू चाहती है कि यह सब समान तेनू मिल जाए तो नयन तेनू जो कुछ भी कहेगी तेनू मनना पेगा। दिवांश जी इन्ना कुछ, इन्ना महंगा समान पहन जी तो किसी दे कोल भी नहीं होना। जब मैं सब पाके निकलांगी तो सब दी नजर मेते ही रहेगी। अब ठीक है जीजा जी, जो भी नयन दीदी कहेंगे वो मैंने सारा कुछ मंजूर है। दिवांश जी कितने दूर ते सोचते ने। जी तुसी अचानक इत्थे, साढ़े ते कोई मुसीबत नहीं आने वाली ना?
नहीं इस तरह की कोई गल नहीं है, मैनू रीटा ने खुद बुलाया सी। गुरु जी ये दिवांश ते जैस्मिन दी जन्म पत्री है। ओ दार जी मैं गुरु जी नू दिवांश ते जैस्मिन दे व्याह दी तरीक कड्ढण लई बुलाया। ओ गुरु जी ने पिछली बार कहा सी ना कि त्योहारां तो बाद ही कोई वधिया जिहा मुहूर्त निकलेगा। मैं सोचा दिवाली तो आ ही गई है, क्यों ना व्याह दी तरीक भी पक्की कर ली जावे। नेक काम च देरी का दी। तुसी जैस्मिन नू इत्थे बुलाओ, तू मेरे कोल आ जा बेटा। जैस्मिन अपना खब्बा हाथ दिखा। गुरु जी की गल है? दिवाली तो बाद बहुत सारे शुभ मुहूर्त ने, मैं तुहानू दो तीन मुहूर्त दस दियांगा, तुहानू जिहड़ा मुहूर्त चंगा लगे तुसी उदों विआह रख लैणा। ये तो बहुत वधिया गल है। नैने ते कहा सी ममता दिवांश ते जैस्मिन दे रिश्ते दे खिलाफ है, फिर उन्हें की हो गया? गुरु जी मैं सुनिया कि तुसी कहा सी कि दिवांश दी पत्नी उहदी रक्षा कवच होवेगी, तो फिर कि मैं ही दिवांश की रखा को बचा? नीनू तेनू अच्छी पिंड वापस जाना पड़ेगा, तो एक गल का खास ध्यान रखी, पिंड जाके मम्मी ते दादा जी नू अपनी किडनैपिंग बारे कुछ नहीं दसना। हाय रौला पै जे, पर जब मम्मी मेनू पूछणगे कि इन्ने दिनों तो मैं कित्थे सीगी, मैं उन्हां नू की दसांगी? तू उन्हां नू यही कहना है कि तू इन्ने दिन ना मेरे सौरियां दे घर सी, क्योंकि इन्हां दिनां दौरान जिन्नी बार भी मेरी मम्मी नाल गल हुई है ना, मैं उन्हां नू यही कहा कि उन्हां नू एक गल होर कही कि दिवांश जी ते उन्हां दा परिवार मैनू बहुत प्यार करदा है, हुण उह मेरी फिक्र ना करिया करन। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। की शर्त? शर्त ए है जीजा जी कि तुहानू हर महीने मेरे घर हैदा दिया महंगिया महंगिया चीजा भिजवानिया पैणगिया, ते तुहाडी इको एक सालियां में इन्ना तां कर ही सकदे हो तुसी मेरे लई। नीलम ये की बकवास है? इट्स ओके नयन, डोंट वरी, मैंने तेरी शर्त मंजूर है। अले इन्ना चो एक बैग ली तेरे दादा जी ली ते तेरी मॉम ली भी गिफ्ट है। मैं जानता हूँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर तू उन्होंने कहीं कि नयन ते मेरे वालों दिवाली का गिफ्ट है। एक दिन कितनी बार चित्तों के दिवांश जी, दिवांश जी थानू तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਯਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ? ਇਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਯਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਯਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਯਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जिहड़ी कुड़ी दिवांश नूं दिलों प्यार करदी होगी उही दिवांश दी रक्षा कवच होगी। जे तू सचमुच दिवांश नूं दिलों प्यार करदी है, तेरे अंदरों शक्ति है, तो तू ही दिवांश दी रक्षा कवच होगी। मैनूं नहीं सी पता कि जैस्मिन दिवांश नूं इन्ना प्यार करती है। मैनूं जैस्मिन दे प्यार ते पूरा भरोसा सी। गुरु जी तुसी इन्नी दूरों आयो, खाना खा के जाना? नहीं, इस टाइम राशन पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कथा शुरू हो रही है तो मेरा उसे पहुंचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है गुरु जी, जय माता दी।
ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ, ਸਹਿਦੇਵ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਏਗਾ। ਸਹਿਦੇਵ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਸਤੇ ਚ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ, ਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। चलिए तुसी चलो, एक मिनट में आनी है। शमशेर जी, फुला की रिपोर्ट का की बना? तुसी सब तो पहले ना फुला चेक करो ते दसो कि ना फुला च अजिहा कुछ है जेड़ा ना फुला नु घातक बनांदा है। फुल तो मैं लैब टेस्टिंग लिए दिल्ली भेज दिते सी, पर फिर मैं नीलम वाले केस च लग गया ते रिपोर्ट का पता करन दा टाइम नहीं लगा। उस रिपोर्ट का साढ़े हथी लगना बहुत जरूरी है, हो सके तो छेती पता करना, क्योंकि बहुत कुछ सिर्फ वो फुला की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। ठीक है नैन, मैं चलती हूँ। मेरा ख्याल है कि व्याह लई दिवाली तो तीसरे दिन की तारीख पक्की कर दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हुण नैन दी इस घर तो उल्टी गिनती शुरू। वैसे इस खुशी के मौके पर दिवांश कित्थे है? दिवांश तक ही वो नयन भी पता नहीं सुबह ही कित्थे उड़ी हुई है। मैं दोवां नूं इकट्ठे नाल बाहर जांदे देखिया है। पता नहीं उस दो कौड़ी दी नौकरानी ने दिवांश ते की जादू किया होया। रीटा भाभी होर दिओ ढिल, मैनू तां लगदा है कि वो कुड़ी दिवांश नूं पूरी तरह नाल अपने वश च करके रहेगी। बकवास बंद कर अलका, उहनूं बार बार नौकरानी कहना बंद कर। वो दिवांश नूं नहीं फसा रही बल्कि दिवांश होदी। दादी जान दियो, माफ करना दारजी, मैं चाह के भी नयन दा साथ नहीं दे सकता। इस घर दी तां इह रीत ही रही है, अपणियां नूं जुत्तियां मारो ते बाहरलियां नूं सिर ते बिठाओ। मैनूं तां इह समझ नहीं आंदी कि ऐसा की है उस कुड़ी च जो तुसीं उहदे खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहुंदे। हुण मैं अलका नूं की समझावां? मैं जानदा नयन तेरे नाल गलत हो रहा है, पर दिवांश खातिर मैं चाह के भी इहनूं सच नहीं दस सकदा। तू नैन बारे जानदी की है? मैं जानना भी नहीं चाहती। जदों दी इंडिया आई हां इक्को ही बाजा बज रहा है, नयन 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 नयन। बस हुण बहुत हो गया, आउण दो इस नयन नूं। उस नूं एहजा सबक सिखाऊंगी कि ओह दिवांश तक ही किसे नाल भी अख मिला के गल नहीं कर सकूगी। बुआ जी, तुसीं की कह रहे हो? मैं ओही कह रही हां जो तू सुन रहा है। हुण इस नयन नूं ओहदी असली औकात दिखाउण दा टाइम आ गया है। बस ओ तू चुप कर, मैं तां कदे तेरे प्यो ते तेरे दादे दी नहीं सुनी, तेरी की सुनूंगी? ते तू इस दो कौड़ी दी नौकरानी लई मैनूं सुना रहा है? मैं इहनूं हुणे दसदी हां। ਬੁਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਾਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਅਲਕਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਮਾਲ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਯਨ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਯਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਲਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਜੇ ਨੀਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਸੀ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਨਯਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਵਾਂਸ਼, ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਜੈਸਮੀਨ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਿਠਾਈ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ? ਤੂੰ ਰੁਕ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੈ ਫੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਦਿਵਾਂਸ਼, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਲੈ ਜੈਸਮੀਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਨਯਨ, ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨਯਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਯਨ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਦਿਵਾਂਸ਼ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਨਯਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓਗੇ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਜੈਸਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈਓ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਨਯਨ, ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਨਯਨ ਨੀ ਜੈਸਮੀਨ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਯਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ? ਦਿਵਾਂਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਦਿਵਾਂਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਯਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਯਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਨਯਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਦਿਵਾਂਸ਼, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
नयन मैनू बिल्कुल पसंद नहीं करती। गल थोड़े अलावा इस घर च हर कोई जानता। सीधे वंश जेकर इना कुछ करने के बाद भी तुसी मैनू ना मिले ना, मैं सच्ची कहनी हूं कि मैं अपनी जान दे दांगी।